नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और सभी लोगों को जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2023 में हम एंटर हो चुके हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए और मैं वेट कर रहा हूँ वॉचर का। और फिर हम लोग जो है जाते हैं और पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। जो है जो फॉरेस्ट होता है उस पर जो है जो भी हम पेट्रोलिंग करते हैं, जो आपके ट्रीज हो गए, जो जो भी कुछ होता है, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मेरे YouTube चैनल पे जो है फॉरेस्ट ब्लॉग, और जैसे कोई ट्रीज हो गया, कोई वाइल्ड एनिमल हो गया, तो मैं आपको जो है सब जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड जानकारी होती है, जो लोग जानना चाहते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। हम लोग चलते हैं इधर से। जो है जो आप ये रोड देख रहे हो, अंदर को गए इस तरफ को जो है फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर को पेट्रोलिंग करने के लिए, कैसा क्या मामला है। मिलिए इससे, यह है चौकी का शेर, इसका नाम है ब्रूनो। ये देखो, ये भी आना चाह रहा है पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन हम साथ में अकेले जाएंगे। ओके सर, मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्दी। जो आपको बताया वो 2000 बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं फिर मल्होत्रा जी आपसे जल्दी। ओके, तो दोस्तों ये जो है नए साल में आए थे शंकर भाई के यहाँ, तो ये लोग जा रहे हैं, तो इनका विदाई समारोह हो रहा है। ओके ओके ओके, अरे चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों नए साल में आज मैं पेट्रोलिंग करने जा रहा हूँ। जो हमारा दापका रिवर है उधर पर पेट्रोलिंग करने जा रहा हूँ। और ये है मेरा अस्त्र और शस्त्र। अब गन क्या ही ले जाऊँ, बहुत भारी होती है यह है। तो हम लोग पेट्रोलिंग में सब कुछ जो है मॉनिटर करते हैं कि स्थिति कैसी है, क्या है करके। तो देखो इस तरफ ये घर बने हुए हैं, ये रोड है, और इस तरफ मेरी जो ये फॉरेस्ट देख रहे हो बीट का। कल शाम तुमने फोन किया था क्या? हेलो साहब, ये देखो नदी बह रही है, इस तरफ मेरी बीट है, और इस तरफ देखो गांव है ये। तो अभी हम जाएंगे, धूप भी अच्छी हो रही है आज, बहुत मज़ेदार नए साल में। ये देखो बरसात के टाइम यहाँ से लेके वहाँ तक वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई साहब। ये पूरा बीट का ही एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि जो जो नदी होती है ना, ये भी फॉरेस्ट का ही पार्ट होती है, तो इसलिए ये भी आ जाता है। रिवर बह रही है और उसका जो है ना भाई साहब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो आज हम जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये जो है जो नदी वाला क्षेत्र है ना, तो हम लोग इसमें कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले एरिया पे थोड़ा वो नहीं करेंगे आज, आगे वाला है, क्योंकि अपने बीट में ना ये रिवर वाला कोई पार्ट पड़ जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको रिवर, ये देखो ऐसा है। देखो रिवर में वाटर लेवल बहुत कम है, जिसमें बरसात होती है उसमें ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ना लबालब हो जाता है। तो अब यहाँ देखो वाटर लेवल क्या मस्त नज़ारा लग रहा है भाई साहब। ये देखो इधर ज़्यादा है, ये सब जो है ना अपनी बीट का ही पार्ट है। देखो क्या रखी है ये बोतल नदी में भाई साहब, ये देखो पानी कितना ज़्यादा क्लीन है भाई साहब। आजकल तो ना इतना ठंडा हो रहा है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और जिसमें बारिश होती है उसमें क्रॉस करना ना बहुत टफ पड़ जाता है। देखो कितना मस्त नज़ारा है, वो सामने रिजॉर्ट है, और ये जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंटेड कर रखा होगा, ऐसे कट रखा, भू कटा हो रखा है। मेरे को अभी दोबारा से ना रैकेट ट्रेल्ड बर्ड दिखी थी पीछे साइड में, लेकिन कैमरे में जब तक रिकॉर्ड करो तब तक भाग जाती है, बर्ड का यही है सीन भाई साहब। ये देखो इतना लंबा पैच बना रखा है ना ये नदी ने साहब, क्या लग रहा है साहब, कैमरे से ज़्यादा ना वैसे ज़्यादा बहुत। दोस्तों आज जो है हम अपनी पेट्रोलिंग पे ना जो ये रिवर वाला एरिया है, हम इसको ही ऑब्जर्व करेंगे। और अभी मुझे ना एक चील का बहा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा मिला हुआ था, मैं आपको दिखा नहीं पाया कैमरे पे। तो जनरली ऐसा होता है कि यहाँ पर जो चीड़, जो पाइन होता है ना पाइन ट्री, तो उसके वो नहीं मिलता, क्योंकि जो 700 मीटर तक होता है साल सागौन के, यहाँ जो 700 मीटर तक होता है तो उसमें ये वाले ट्री पाए जाते हैं, साल सागौन खैर ये पाया जाता है, यहाँ पर वो नहीं पाया जाता, क्या बोलते हैं चीड़।
वो बह के आया था, ये देखो नदी में बह के आया हुआ था। इसको ना क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखो ये पूरा जल से ही ये बह के आ रखा है। ये देखो ये नदी है ना, वहाँ पे बह के आया होगा। इसी नदी क्रॉस करनी पड़ रही है, इतना ज़्यादा तो फ्लो लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। देखो आज तो पूरा एडवेंचर ही हो गया, इधर ना पानी बहुत ज़्यादा है। देखो पूरा एडवेंचर हो गया भाई साहब। आजकल जो फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करने का ना अपना अलग ही मज़ा है सर्दी के टाइम, क्योंकि हम जितना पेट्रोल करते हैं पैदल चलते हैं उतना ही ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि बॉडी एकदम हीट हो जाती है। और ये देखो कैसा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान होगा। ये देखो बह के आ रखे हैं सब, और आपको सामने दिखाता हूँ स्पॉटेड डियर, उधर पर स्पॉटेड डियर के बीच में एक वाइल्ड नैपकिन मिल गई। ऐसे जंगल डेंस फॉरेस्ट में दिखता है, और रेत ऐसी हो रही है ना, ये रेत टाइप का है, मतलब रेत जैसी नहीं है वैसे तो। अच्छा कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, सूख गया है देखो कितना टेढ़ा है। सामने देखो बेरी का पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भाई साहब तो सारी बेरी लगी हुई है इसमें, इस वाले हिस्से में ना बेरी बहुत ज़्यादा है। देखो झाड़ी वाले हैं भाई साहब, ऐसे जाना पड़ता है। देखो तभी उसमें जो बीट मैप है उसमें तभी लिख रखा है कि जो ये रिवर वाला एरिया ना उसमें पतले वालों का भी हो जाता है क्या है? पतले वालों का इस वाली रिवर पे ना वो किंगफिशर बहुत दिखती है। ये देखो इसमें भी पानी बहुत कम हो गया, पिछली बार इधर कार बहती है। अभी वहाँ पर हमें जो है टाइगर का पकमार मिला हुआ था जो एकदम वेरी फ्रेश था। देखो कितनी भीड़ हो गई भाई साहब। देखो न्यू ईयर में काफ़ी भीड़ भाड़ होगी बेजोटो में ना, तो हिसाब से पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। तो जो है आज जो है हमारी जो पेट्रोलिंग थी वो कंप्लीट हुई, और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ अपने चौकी की तरफ। और आज हमने जो है जो हमारा रिवर वाला जो बीट में मेरी जो रिवर वाला पोर्शन था उसको कवर किया। देखो दोस्तों अब मैं पहुंचने वाला हूं अपनी चौकी, उधर साइड है मेरी चौकी। और ये देखो आज वो आज की जो हमारी पेट्रोलिंग थी, हमने जो है जो हमारा रिवर जो मेरी बीट है ना जो रिवर वाला पोर्शन था उसको मैंने कवर अप किया, और जो दापका वाला पोर्शन पड़ जाता है। तो पूरा आजकल कैसा क्या हो रहा है, और न्यू ईयर में हमारी जो पहली पेट्रोलिंग थी वहीं हुई, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमने करीब कर ली होगी काफ़ी। तो अभी मैं अब जाता हूँ ना चौकी की तरफ को। आज मैंने देखा स्पॉटेड डियर, गोल्डन लंगूर, और बस यही मिला, और थोड़ा बहुत पगमार्क मिले हमें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग पे, तो बने रहिए मेरे चैनल से। ओके बाय बाय।